हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में 1 रुपीज के बिग कॉइन के बारे में बताएंगे उसकी वैल्यू क्या होती है और कौन सी कंडीशन में ज्यादा वैल्यू पे सेल होता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों आपको स्क्रीन पे एक कॉइन दिखा दे रहा होगा, ये कॉइन 1962 का है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 1962 वाले कॉइन और 1970 वाले कॉइन की बात करेंगे। अपने पिछले वीडियो में हम 1975 से लेकर 1982 के कॉइन्स की बात कर चुके हैं जिनका वेट अप्रॉक्स 8 ग्राम्स तक था, लेकिन आज की वीडियो में 1962 और 1970 वाले कॉइन्स का वेट 10 ग्राम्स होता है। ये कॉइन 1 रुपीज के जो बिग कॉइन आते हैं उसमें रेयर होते हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। दोस्तों अगर हम 1962 वाले कॉइन की बात करते हैं तो इसका जो मेटल होता है निकेल होता है, वेट 10 ग्राम्स तक होता है और जो साइज होता है यानी जो डायमीटर होता है 28 mm तक होता है और शेप सर्कुलर होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वैल्यू अप्रॉक्स 70 रुपीज से लेकर 120 रुपीज के बीच में होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कंडीशन होगी वैसे ही कॉइन की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। अब बात करते हैं 1972 वाले कॉइन की, इसकी भी जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं सेम होती हैं। इसका स्पेसिफिकेशन जो मेटल होता है वो निकेल होता है, वेट 10 ग्राम्स तक होता है, साइज 28 mm यानी जो डायमीटर होता है 28 mm तक होता है और शेप सर्कुलर होता है। और इसकी जो प्राइस होती है 2500 से लेकर 4000 के बीच में होती है। दोस्तों 1 रुपीज के बिग कॉइन में यही दो कॉइन थे जो रेयर और स्केयर्स हैं जिनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। बाकी जो 1975 से लेकर 1982 वाले कॉइन्स थे उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, पिछले की वीडियो में हमने बताई थी आपको। दोस्तों अगर आपके पास ये दोनों कॉइन 1962 वाले और 1972 वाले कॉइन आते हैं तो ये रेयर है, इनकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप एक कलेक्टर है तो अपने कलेक्शन में रख सकते हैं क्योंकि ये मार्केट में मिलते नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, क्योंकि जितने भी डीलर्स थे जितने भी कलेक्शन वो हॉबीस्ट थे वो अपने कलेक्शन में रख चुके हैं इसको, क्योंकि मार्केट में बहुत ही मुश्किल, बहुत रेयरली हो सकता है किसी के पास मिल जाए आपको ये। तो दोस्तों अगर आपके पास ये आते हैं कॉइन्स तो अपने कलेक्शन में रखिए क्योंकि बहुत अच्छे कॉइन है, बहुत रेयर कॉइन है और जिनकी वैल्यू आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। अगर आप एक कलेक्टर आपके कलेक्शन में ये कॉइन्स चाहिए या कोई और भी पुराने सिक्के या नोट चाहिए जिनकी जिनको आपको कलेक्शन करना है जो आपके कलेक्शन में नहीं है तो आप उसके लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आपको हर वीडियो में हम एक बात बताते हैं कि अगर आप एक नए कलेक्टर हैं, आप नया कलेक्शन करना स्टार्ट किए कॉइन्स या नोट्स का, तो आप सबसे पहले कॉइन्स की जो कैटलॉग्स आती हैं, बुक्स आती हैं वो खरीद लीजिए, जिससे कि आपको इस कॉइन्स के स्पेसिफिकेशन, कौन से कॉइन्स रेयर हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उनका मेटल क्या है, वो हर चीज़ें उसमें दी रहती हैं, उससे आपको एक नॉलेज रहेगी। और सबसे मेन चीज़ है आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा, यानी आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पास जिन्होंने बहुत सस्ते सस्ते कॉइन्स महंगे खरीद लिए और जो महंगे कॉइन्स थे उन्होंने सस्ते में बेच दिए। तो इसलिए आपको पहले से ही एडवाइस दी जाती है कि आप एक बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बुक भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है। और बुक खरीदने की आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर हमें मैसेज करिए, हम आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। और आपके पास कोई और भी पुराने सिक्के या नोट हैं जिनकी वैल्यू पता करनी है आपको या जिनको सेल करना है जो आपको लगता है कि रेयर हैं, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो बोथ साइड इमेजेस जो अपने कॉइन्स या नोट की क्लियरली सेंड करिए हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे या जीमेल आईडी पे, हम आपको जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। उसकी जो जेन्युइन वैल्यू होगी वो हम आपको बताएंगे, अगर आप वो रेयर होगा तो आप उसे जरूर खरीदेंगे, क्योंकि जो रेयर चीजें होती हैं वही लोग खरीदते हैं, वही कलेक्टर्स अपने कलेक्शन में रखना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉमन चीजें बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है तो उसे कोई खरीदना नहीं, ज्यादा लोग खरीदते नहीं है, ज्यादा बायर्स नहीं मिलते उसको। तो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और दबा दीजिएगा सब्सक्राइब बटन और दबा दीजिएगा बेल बटन, जिससे कि हमारी वीडियोस आने वाली है सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।